हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ बेस एंगल्स कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, लेट अस से ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसमें ए बी और ए सी बराबर लेते हैं, तो वर्टेक्स एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, लेट अस से मैं वर्टेक्स एंगल ए को एक्स से डिनोट करता हूँ। अब सिंस हमें यहाँ पे पता है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल बी और सी बराबर होंगे। तो लेट अस से एंगल बी को वाई बोलते हैं, एंगल सी भी वाई हो जाएगा। अब हम एक चीज क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल ए कितना है एक्स, एंगल बी वाई प्लस वाई इक्वल टू 180, तो एक्स प्लस टू वाई कितना आ गया 180। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन वन। दूसरी चीज क्या दी है, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स। वर्टेक्स एंगल यानी एंगल ए इज ट्वाइस द सम ऑफ बेस एंगल्स, यानी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ बेस एंगल्स यानी वाई प्लस वाई टू वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4y। इक्वेशन टू, एक्स की वैल्यू 4y जो आई है इसको मैं इक्वेशन वन में रखता हूँ, एक्स की जगह क्या रखूंगा यहाँ 4y, तो 4y प्लस 2y इक्वल टू 180, यहाँ से कितना आ गया 6y इक्वल टू 180, तो y कितना आ गया 30 डिग्री। y अगर 30 है तो यहाँ से x देखो कितना आ जाएगा आपके पास 4 टाइम्स 30 यानी 120 डिग्री। तो एंगल अगर x 120 है तो एंगल A कितना है 120 डिग्री, y अगर 30 है तो एंगल B इज 30 डिग्री एंड एंगल C इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो हमारे पास तीनों एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आ गए 120, 30 एंड 30।